आज इस सेशन में मैं आपको फ्रूट्स के टाइमिंग को लेकर दो बातों को बताना चाहता हूँ। पहली बात है सीजन से रिलेटेड कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट्स आपको खाना चाहिए, एंड दूसरी बात है पूरे दिन के मुताबिक कि कब आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। टाइमिंग बहुत मैटर करता है आपके फ्रूट्स के सेवन के लिए। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि सीजनल फ्रूट्स ही आपको खाना है। नेचर ने हमें जैसा फ्रूट्स जिस सीजन में दिया है हमें उस सीजन में ही उस फ्रूट्स को खाना है। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी में वाटरमेलन मिलता है तो गर्मी में ही वाटरमेलन खाएं। अगर गर्मी में कोकोनट वाटर आपको मिलता है तो गर्मी में ही कोकोनट वाटर पिएं। ऐसा ना हो जाए कि विंटर सीजन में आकर आपने कोकोनट वाटर डेली पीना शुरू कर दिया, या विंटर सीजन में आकर जहाँ पे मैंगोज़ नहीं मिलता है लेकिन डीप फ्रीजर होने के वजह से आप फ्रोजन स्टेट से निकाल कर लाते हो मैंगोज़ को, एंड मैंगोज़ को आप खाते हो विंटर में, या एज मैंगो शेक पीते हो विंटर में, तो ये आपके सेहत के लिए गलत हो जाएगा। तो हमें नेचर ने जैसा दिया है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है। तो ये थी हमारी पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि दिन भर में कब आपको फ्रूट्स खाना है। तो एक बात को समझ लें आज अच्छी तरीके से कि फ्रूट्स को कभी भी अपने नॉर्मल मील्स के साथ मिक्स ना करें। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, दोपहर लंच के साथ, रात फिर डिनर के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लें फ्रूट्स को तो दो इंटरवल के बीच में लें। सपोज़ आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर लंच करने जा रहे हो, तो मिड में आप यहाँ पे स्नैक्स की तरह फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक इस तरीके से अगर आप शाम में लेना चाहो तो दोपहर का लंच एंड रात का डिनर है, इन दोनों के बीच में इवनिंग स्नैक्स की तरह आप फ्रूट्स को ले सकते हो। लेट नाइट कभी भी फ्रूट्स ना लें, क्योंकि लेट नाइट अगर आप फ्रूट्स लोगे तो फिर ये इनडाइजेशन कॉज करेगा, डिसपेप्सिया करेगा, ये एब्डोमिनल आप देखते हो जो फ्लैचुलेंस होता है ये आपको एक्सेसिवली बन सकता है, फिर नॉजिया टेंडेंसी हो सकती है, वॉमिटिंग भी आपको हो सकता है, रात भर आप इरिटेटेड रह सकते हो, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, अच्छे से नींद भी आपको नहीं आएगी। यही होता है अगर आप मील्स के साथ फ्रूट्स लेते हो तो, क्योंकि फ्रूट्स में आप देखो तो जनरली ये फाइबर बेस्ड ही होता है एंड ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को हैम्पर करता है। तो आपको फ्रूट्स मील्स के या तो 2 घंटे पहले ले लेना चाहिए या 2 घंटे बाद ले लेना चाहिए, साथ में आपको नहीं लेना है। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स लो, राइट? मैं भी मानता हूँ इस बात को कि मॉर्निंग में फ्रूट्स लेना चाहिए, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट्स ले रहे हो तो फिर आपको ब्रेकफास्ट वो सीरियल्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में आपको स्किप करना होगा। ऐसा ना हो जाए कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट्स भी ले लिया एंड ब्रेकफास्ट फिर आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो। आप फ्रूट्स को ही ब्रेकफास्ट बना लो, एक रेगुलरिटी मेंटेन कर लो अपनी लाइफ में आप कि ब्रेकफास्ट आप लोगे तो फ्रूट्स ही लोगे, देन उसके बाद दोपहर में एंड रात में नॉर्मल मील्स आप ले लो, दैट्स ओके। तो ये कुछ दो बातें थी इन फ्रूट्स के टाइमिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, क्योंकि आपको भी ऐसी ऐसी अपडेट्स टाइम टू टाइम एंड डे टू डे मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, बाय।